Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, आज के वीडियो लेसन का आगाज करते हैं. क्लास टेंथ का लेसन है, यूनिट नंबर वन. उसके क्वेश्चन आंसर्स को आज हम स्टडी करेंगे. यूनिट नंबर वन था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस. इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस मेरे सामने हैं. क्वेश्चन नंबर वन है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ. तो इसका आंसर है, पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ बाय सीकिंग लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम द हॉली प्रॉफिट्स लाइफ. क्वेश्चन नंबर टू है, हाउ डिड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड. इसका आंसर है, ही सेट अप नोबल आइडियल्स थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाउ आर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द हॉली प्रॉफिट्स जस्टिस इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड. द हॉली प्रॉफिट resolved the issue of setting the black stone justly and saved people from a tribal conflict. तो ये वजह थी कि the people of Makkah were convinced of his justice. The people of Makkah were convinced of his justice. इस वाक्य से हमें पता चलता है. Question number four है, What standard of justice did the Rasul sallallahu alaihi wasallam practice as the head of the state of Medina? तो इसका आंसर है, as head of the state of Medina, the Rasul sallallahu alaihi wasallam decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed or race. Question number five है, What made non-Muslims bring their suits to the Rasul sallallahu alaihi wasallam? किस चीज़ ने गैर मुसलमों को मजबूर किया कि वो अपने मुकदमात भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आते थे? The justice of the Rasul sallallahu alaihi wasallam made non-Muslims bring their suits to him, and he decided cases of the Jews in accordance with the Jewish law. तो ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ ने गैर मुस्लिमों को मजबूर किया कि वो अपने मुकदमात भी आपके पास ले आते और आप यहूदी कानून के मुताबिक उन मुकदमात का फैसला कर दिया करते थे. क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाउ डज द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? एक कुरान पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को किस तरह से बयान करता है? The Holy Quran describes the personality of the Rasul sallallahu alaihi wasallam as thus. इस तरह से, और वो जो कुरान पाक में आया था वो inverted commas में आएगी, we have indeed, हमारे पास बिला शुबा है, in the Rasul sallallahu alaihi wasallam of Allah, अल्लाह के रसूल sallallahu alaihi wasallam की शक्ल में. A good example, एक बहुत अच्छी मिसाल, for everyone, हर एक के लिए, whose hope is of Allah, जिसकी उम्मीद अल्लाह ताला पर है या जिसका ईमान खुदा पर है, एंड द फाइनल डे और क़यामत के दिन पर है. तो ये सिक्स क्वेश्चंस हैं इसके, यूनिट नंबर वन के. इनको आप अच्छी तरह लर्न करें और इनका सेल्फ टेस्ट लें, और सेल्फ टेस्ट लेने के बाद आप उस टेस्ट को मुझे सेंड करें. और यही आज का आपका लेसन था. थैंक यू.